हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है कौन सा बैंक इन्वेस्टमेंट मींस निवेश के साथ साथ बैंकिंग में भी अच्छा है और सेफ है। स्टॉक मार्केट मतलब शेयर बाज़ार में सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ है जिसे हर एक इन्वेस्टर को फॉलो करना चाहिए ताकि कभी किसी तरीके का मिस हैपनिंग हो तो वो उस मिस हैपनिंग से बच सके। ओके, और वो चीज़ है पैसे, स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने के साथ साथ अपने पैसे को सेफ करना, अपने पैसे को सुरक्षित रखना। और वो केवल कैसे हो पाएगा? वो हो पाएगा अच्छे स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए बने रहने से। तो ऐसे ही आज पांच बैंकिंग स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो चलते हैं पहले स्टॉक की तरफ। ओके, बट इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो इसमें सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको सब नोटिफिकेशन मिले। इसके साथ साथ मैंने चार वीडियो यहाँ पर अपलोड कर रखी है, तो आप जाके देखिए, बहुत अच्छी वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है। तो आइए हम पहले स्टॉक की तरफ चलते हैं। तो ये पहला स्टॉक है HDFC बैंक। ओके, तो HDFC बैंक के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि HDFC बैंक इंडिया का नंबर वन प्राइवेट सेक्टर बैंक है। ओके, और आप देख जैसे कि यहाँ चार्ट में मैंने देखा आप देख रहे हैं कि आज ही इसने 4.48% की जंप भी लगाई है। तो ये जो HDFC बैंक है 1999 में लिस्ट हुआ था। और इसके अलावा आप इसका चार्ट का पैटर्न देख रहे हैं, मैक्सिमम जैसे कि आप देख रहे हैं किस तरीके से केवल ऊपर की तरफ ही ये जा रहा है बैंक, किस तरीके से इसने अपने इन्वेस्टर को शानदार रिटर्न दिए होंगे। और आप HDFC बैंक के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, पिछले 25 से 26 सालों में इसने हर साल अपने इन्वेस्टर को 30% के रिटर्न कमा के दिए हैं। आप FD में पैसा लगाते हैं तो आपको 7, 8, 9% का आपको प्रॉफिट होता है, बट इस बैंक ने पिछले 25 से 26 साल में आपको 30% के रिटर्न दिए हैं। आइए हम इसके बारे में और जानते हैं। जैसे कि NSE की साइट पर हम आए और ये HDFC बैंक है, तो इसने जो अपना 52 वीक लो लगाया था 24 मार्च 2020 को, जब जिस दिन लॉकडाउन लगा था, जिस दिन ये कोरोना का हमारे भारत में आया था, उस दिन 738 पे स्टॉक चल रहा था। और इसका ये मैक्सिमम जो ये हाई है, इसने 52 वीक हाई जो लगाया 1305 रुपये का, इसने 19 दिसंबर 2019 को लगाया है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी स्टॉक का प्राइस है 1084.7 रुपीज़। ओके, तो लगभग लगभग ये अपने हाई के बराबर ही है। और इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आज नहीं तो कल ये अपने हाई को तो अप्रोच करेगी। आइए इसके अलावा हम जानते हैं कि इसमें आज के दिन 46% की डिलीवरीज उठाई गई है। इसके साथ साथ अगर हम कुछ कंपनी इन्फॉर्मेशन के बारे में जानते हैं तो इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, इसके पास 26.14% की हिस्सेदारी है और पब्लिक के पास 73.86% की हिस्सेदारी है। इसके साथ साथ प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर, अपना कोई भी शेयर इस प्रमोटर्स ने अभी तक गिरवी नहीं रखा है, ये सबसे अच्छी बात है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हैं हर इसने 2019 में दो बार डिविडेंड दिया, एक बार 15 रुपीज़ का, एक बार 5 रुपीज़ का, 2018 में 13 का, 2017 में 11 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है। ओके, तो HDFC बैंक इंडिया का नंबर वन बैंक है, इसमें आपका पैसा रहता है तो ये सुरक्षित भी है और आपका पैसा हमेशा बढ़ेगा भी। इसके अलावा हम दूसरे स्टॉक के बारे में बात करते हैं। दूसरा स्टॉक है HDFC के बाद जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं, वो बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक। जैसे कि आप देख रहे हैं एक दिन का परफॉर्मेंस, आज ही इसने 4.7% की जंप लगाई है। इसके अलावा इसका मैक्सिमम हम देखें तो मैक्सिमम देखिए, इसका मैक्सिमम इस जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि ये लॉन्ग टर्म में किस तरीके से इसने शानदार रिटर्न दिए, ये जो चार्ट है हमेशा ऊपर की तरफ जाता जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो ये अच्छे शेयर्स की पहचान होती है कि हमेशा ऊपर की तरफ ही जाता है, इसका जो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न जो होता है वो ऊपर की तरफ जाता है। और ये कभी 2001 में 2.4 रुपीज़ का हुआ करता था। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके के बेहतरीन रिजल्ट इसने अपने इन्वेस्टर्स को दिया है, कितना रिटर्न किस तरीके से इसने दिया। इसके अलावा हम आज के परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, तो 52 वीक इसका जो लो है वो 1000 रुपीज़ के लगभग का है, जो कि 19 मार्च को था। इसके अलावा जो 52 वीक हाई का है 1740 रुपीज़,
और अभी ही लगभग 1400 पे चल रहा है। तो अगर आप लोगे इस शेयर को तो आज नहीं तो कल ये अपनी 52 वीक तक तो ज़रूर पहुँचेगा। तो आपको इसमें प्रॉफिट तो होना ही होना है। ओके, इस बार ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है क्योंकि इस तरह आज कोरोना की सिचुएशन चल रही है, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। बट ये शेयर डेफिनेटली 1740 तक जाएगा ही जाएगा। इसके अलावा हम आज के डिलीवरीज की बात कर लेते हैं, तो लगभग 31.27% की इसने आज डिलीवरीज देखी गई है उठाती हुई। इसके अलावा कंपनी इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम जाते हैं तो प्रमोटर्स के पास 28.93 के इसमें शेयर्स प्रमोटर्स होल्ड करते हैं, और पब्लिक के पास 71.07% की हिस्सेदारी है। इसके अलावा कोई भी शेयर, देख रहे हैं आप यहाँ पर, कोई भी शेयर यहाँ पर गिरवी नहीं रखा गया है। और बैंक ने 2016 में भी 0.5 रुपीज़ का डिविडेंड दिया था। इसके अलावा 2017 में भी दिया, 2018 में भी दिया, 2019 में भी इसने डिविडेंड दिया है। तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से एज वेल एज बैंकिंग के पर्पज़ से ये बैंक भी काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा जो हमारा तीसरे नंबर का बैंक जो मैंने चूज़ किया है वो है ICICI बैंक। अभी ज़रूर ये नीचे की तरफ जाता जा रहा है, या फिर ये बैंक आज के दिन ही 1.77% का इसने लो मारा है। ओके, बट इसका अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखते हैं तो इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखिए ऊपर की तरफ ही है। ये भी काफ़ी अच्छा बैंक है, कभी नंबर वन हुआ करता था, बट ड्यू टू सम केसेस जो इसके ऊपर चल रहे थे इस वजह से शेयर नीचे आया। बट बैंकिंग एज वेल एज इन्वेस्टमेंट दोनों के पर्पज़ से ये बहुत अच्छा बैंक है। 1999 में ये 4 रुपये का शेयर था, आज 352 रुपीज़ का शेयर है। बट इसका मैक्सिमम, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, 52 वीक 30 दिसंबर 2019 को 552 रुपीज़ का ये शेयर हुआ करता था, और इसका लो 24 मार्च को 268 रुपीज़ का था। तो ये भी शेयर बहुत बैंकिंग के पर्पज़ से एज वेल एज इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से काफ़ी सेफ है। बट HDFC और कोटक महिंद्रा बैंक इससे काफ़ी अच्छे हैं, बट इसमें भी आप, इस पर भी आप भरोसा कर सकते हैं क्योंकि ये कभी नहीं, ये अपने हाई को तो टच कर ही गए ही कुछ टाइम पे। इसके अलावा कंपनी इंफॉर्मेशन, शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं। प्रमोटर्स के पास कोई भी शेयर नहीं है, सारे शेयर पब्लिक में, इन्होंने शेयर पब्लिक ही शेयर होल्डर होल्ड करते हैं। तो कोई शेयर नहीं है तो कोई गिरवी भी क्या रखेंगे। ओके, इसके अलावा इसने हमेशा ही अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया। 2015 में 5 रुपये का, 16 में 5 रुपये का, 17 में इसने शेयर में बोनस भी लाया गया था, 1:10 का बोनस, और बोनस इसने कंपनी ने दिया, और 2.5 रुपीज़ का इसने डिविडेंड भी दिया। इसके अलावा 2018 में भी इसने 1.5 रुपीज़ का डिविडेंड दिया, और 2019 में भी 1 रुपीज़ का इसने डिविडेंड दिया। तो ये भी बैंक काफ़ी अच्छा है इन्वेस्टमेंट एज वेल एज बैंकिंग के लिए। इसके अलावा अगर हम दूसरे बैंक की बात करते हैं तो ये बैंक है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक ने अपना जो रिजल्ट है अभी कुछ टाइम में काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है। इसने जो लास्ट क्वार्टर था काफ़ी अच्छे इसने अपने रिजल्ट पेश किए थे, एज वेल एज राकेश झुनझुनवाला, जिसके जो मैंने अपने इन्वेस्टमेंट वाले लेक्चर में आपको बताया था कि राकेश झुनझुनवाला कौन है। इस बैंक में अभी कुछ दिन पहले उन्होंने 20 लाख शेयर अभी परचेज किए। ओके, इसका भी शेयर होल्डिंग, इसका भी चार्ट काफ़ी अच्छा है। ओके, इसके आज के परफॉर्मेंस की अगर हम बात कर लेते हैं तो देखिए 52 वीक लो इसका 25 मार्च को 35 रुपये का हुआ कर 35 रुपये पे चलता था ये, और 52 वीक हाई 98.55 में ये सेप्टेम्बर 2019 को था। इसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करते हैं, तो प्रमोटर्स के पास कोई होल्डिंग नहीं है, अब सारे शेयर पब्लिक के पास है। इसके अलावा इन्होंने हर साल 2016 में 0.7 पैसे का डिविडेंड दिया है। इसके अलावा 2017 में उन्होंने 0.9 का, 18 में 1 रुपीज़ का, 2019 में 1.4 का। ओके, तो इसने अपना डिविडेंड भी देना अच्छा, डिविडेंड भी इनका ऊपर की तरफ जा रहा है, डिविडेंड भी अच्छा खासा देते जा रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बैंक भी काफ़ी अच्छा है, आप इस पर भरोसा कर सकते हो, और शेयर मात्र अभी 55 रुपीज़ पर मिल रहा है, और ये है अपने जैसे कि दिखा मैंने आपको दिखाया था 52 वीक हाई इसका 98 था, तो यहाँ तक जाना है तो तय है ही। और अच्छा, इसने अपना लास्ट लास्ट क्वार्टर
क्वार्टर का रिजल्ट भी दिया था। इसके अलावा हम एक दूसरे बैंक की और बात करते हैं जो कि गवर्नमेंट बैंक है और इंडिया का नंबर वन बैंक है। ओके, ये बैंक कछुए की चाल चलने वाला है, आपको रिटर्न बड़े मुश्किल से और बहुत कम रिटर्न देगा। ओके, बट ये बैंक बैंकिंग के एज वेल एज आपके इन निवेश के मामले में अच्छा है, सेफ है। ओके, 1999 में ये 15 रुपीज़ का शेयर हुआ करता था। ओके, और ये अभी पेंडामिक में ये शेयर इतना नीचे आया कि 188, और ये आपको रिजल्ट दिखाना चाहता हूँ कि 22 मई 2020 को केवल 150 रुपये का ये शेयर मिल रहा था, और इसका जो 52 वीक हाई जो हम देख रहे हैं नवंबर 2019 में 351 रुपीज़ का है। तो 351 रुपीज़ तक तो ये शेयर जाएगा ही, जो आज 188 पर चल रहा है, बट इसमें ये काफ़ी टाइम लेगा। ओके, बट आपका पैसा इसमें सेफ रहेगा, क्योंकि इस बैंक में कुछ मिसहैपनिंग नहीं हो सकती। अगर कभी हुई भी बाई चांस, तो पीछे से गवर्नमेंट इसके सपोर्ट में है, तो गवर्नमेंट इसे देख रही है, और गवर्नमेंट हमेशा इसकी देख रेख हम करेगी, और ये बैंक को कभी डूबने नहीं देगी। इसके अलावा आज 15% की डिलीवरीज उठाई गई है इस बैंक में। शेयर होल्डिंग पैटर्न की हम बात कर लेते हैं, तो प्रमोटर्स के पास ही 57 प्रमोटर, इसका कौन होगा? गवर्नमेंट, ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट बैंक है तो गवर्नमेंट इसके प्रमोटर्स है, तो उनके पास ये बैंक के 57% के शेयर इसके इनके पास है। इसके अलावा कोई, सबसे अच्छी बात है कि कोई भी शेयर इनका गिरवी नहीं है। ओके, और पब्लिक के पास 52% के शेयर है लगभग, और ये भी बैंक आपको डिविडेंड देता है। ओके, स्प्लिट हुआ था ये 2014 में। ओके, इसके अलावा डिविडेंड इसने 2015 में 3.5 रुपीज़ का दिया था, 16 में भी डिविडेंड दिया, 17 में भी दिया है। ओके, तो ये बैंक भी इन्वेस्टमेंट एज वेल एज बैंकिंग के मामले में काफ़ी अच्छा है। तो अगर आपको किसी बैंकिंग सेक्टर में ही निवेश करना है, तो इन बैंकों में जाके निवेश करिए, ताकि आपका पैसा सेफ रहे, सुरक्षित रहे, और आपका पैसा हम बढ़े। ओके, तो HDFC बैंक, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, नंबर वन बैंक है, और आपका पैसा इसमें हमेशा सेफ भी रहेगा, क्योंकि बहुत अच्छे इनके इनके पास रिजर्व्स भी है। तो आज का वीडियो हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। ओके, तो वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपसे चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को पूरा देखिए, और लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि उन्हें भी इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सके, और जो उनके जो बैंक डूब जाते हैं उनसे बचने के लिए, जो उनका पैसा सेफ रहे, तो ये वीडियो उनके लिए हेल्प करेगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस, थैंक यू।